हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैंडर्ड स्टडी। फ्रेंड्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, और टाइप्स ऑफ रिलेशन में मैंने आपको बताया था कि इसके ट्रेवल एंड नॉन ट्रेवल रिलेशन क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, यानी कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रिलेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था, एंड आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्स रिलेशन क्या होता है, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था अपनी पिछली वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स ट्रांसिट रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, और इक्विवेलेंस रिलेशन और ट्रांसिट रिलेशन के एग्जांपल्स और इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था फ्रेंड्स, वहां से हम आज एक दो एग्जांपल लेंगे और इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं आगे ट्रांसिट रिलेशन क्या होता है। तो पहले ट्रांसिट रिलेशन की डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बारे में भी एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ट्रांसिट रिलेशन लेते हैं हम लोग, ट्रांसिटिव रिलेशन। फ्रेंड्स, ट्रांसिट रिलेशन होता क्या है, तो इसमें इसके डेफिनेशन में हम लोग ये देखेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रिलेशन है, एक्स रिलेशन वाई है, एंड वाई रिलेशन कोई हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, जेड है। एक्स रिलेशन वाई एंड वाई रिलेशन जेड है, देन हमारे पास रिलेशन बनना चाहिए कौन सा रिलेशन, एक्स रिलेशन जेड। फ्रेंड्स, एक्स वाई जेड क्या है, ये किसी एक सेट के मेंबर है। मान लिया वो सेट हमारे पास कोई ए है, तो ये हमारे पास ए के क्या होंगे, मेंबर होंगे, राइट फ्रेंड्स। तो हमें इसमें जो काम हमारा क्या है, काम ये है कि हम हमारे पास जो रिलेशन गिवन होगा फ्रेंड्स, वहां से हमें दो रिलेशन उठाने, ऐसे रिलेशन उठाने हैं जिसका जैसे इसका हमारा ये एंड पॉइंट है, तो दूसरे रिलेशन का वो क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए फ्रेंड्स। तो ऐसे रिलेशन हमें उठाना है और उन रिलेशन का कॉम्बिनेशन करें, तो ये रिलेशन भी हमारा बनना चाहिए। अगर रिलेशन नहीं बन पा रहा है, मतलब ये रिलेशन अगर नहीं होता है, तो हमारा ये ट्रांसिट रिलेशन की कंडीशन फेल होती है, जिससे वो रिलेशन ट्रांसिट रिलेशन नहीं होगा। अगर ये रिलेशन बन रहा है, तो मतलब वो हमारा ट्रांसिट रिलेशन फ्रेंड्स होगा। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, रिलेशन हमारा ये है कि ए रिलेशन बी, सच दैट रिलेशन हमारा कैसा रखता है कि ए डिवीजन बाई ले लो या फिर स्क्वायर ले लो, कैसा भी हम तो आपको दे रहे हैं, ए इज ए मल्टीपल ऑफ आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा, वैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें चेक करना होगा ट्रांसिट रिलेशन है या कैसे रिलेशन है। हम यहाँ पे सीखने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपको बताना होगा कि ट्रांसिट रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, कि हमारा एंटी सिमेट्रिक है, कैसा है, वो क्वेश्चन जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होगा कि ये कैसा रिलेशन है। तो यहाँ पे हमने लिया एक रिलेशन लिया है जिसको हमें चेक करना है कि ट्रांसिट रिलेशन है या नहीं। कैसे चेक करते हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में जाने। और यहाँ पे जो ए और बी है वो हम ले रहे हैं, ए और बी हमारे पास कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए फ्रेंड्स। तो ये हमारा रिलेशन है और इसको हम चेक करेंगे कि ये हमारा ट्रांसिट रिलेशन है या नहीं। तो कैसे करते हैं इसको, ध्यान दें। तो यहाँ पे ए और बी क्या है, ए क्या है वो बी का मल्टीपल है, ए क्या है हमारा बी का क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। तो बी का मल्टीपल मतलब जैसे बी हमारा मान लो 6 हो गया, तो ए हमारा क्या होना चाहिए, तो ये हमारा 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, मतलब ये, ठीक है। अगर ये हमारा 12 हो गया, तो ये हमारा क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, एंड 12 हो सकता है, एंड 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे सिमिलर, तो यहाँ पे हम सभी डिपेंडिंग रिलेशन के जितने भी रिलेशन से हमारे जितने भी वैल्यू निकल सकती हैं उनके बारे में थिंक करना है एक जनरल वैल्यू के थ्रू। मतलब अगर हम एग्जांपल दें तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, लेकिन हमें डिस्कस करना है जनरल वैल्यू के थ्रू। तो जैसे हम डिस्कस करने चाहेंगे इसमें, क्या डिस्कस करेंगे कि ए रिलेशन अगर हमारे पास बी है, सिमिलरली हम ऐसा मान लें, और ए रिलेशन बी लिखने का हमारा मतलब ये हुआ कि जो ए है वो क्या है, बी का फैक्टर है, एंड इसी प्रकार बी जो है वो क्या है, सी का फैक्टर है। ये तो रिलेशन है हमारा, ए क्या है, बी का फैक्टर है, एंड बी क्या है, सी का फैक्टर है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चल रहे हैं हम लोग। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो ए है क्या वो सी का फैक्टर होगा, क्योंकि रिलेशन हमारा यही बोल रहा है, तो इम्प्लाइज दैट तो ए रिलेशन विद सी, तो मतलब जो ए है वो सी का फैक्टर होना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो क्लियरफाई करने के लिए। तो क्लियरफाई करने के लिए हमने जैसे ले लिया कि 2 क्या है, 4 का फैक्टर है, 2 क्या है, 4 का फैक्टर है, एंड 4 क्या है, ये 8 का फैक्टर है, 2 4 का फैक्टर है, 4 8 का फैक्टर है। तो सिंपली यहां से निकल ही रहा है, इट इज क्लियर कि 2 क्या होगा,
8 का फैक्टर होगा फ्रेंड्स। तो हमने क्या देखा, 2 4 का फैक्टर है, 4 8 का फैक्टर है, तो इसका मतलब होगा कि 2 हमारा क्या होगा, 8 का फैक्टर होगा। तो यहां से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, जैसे कि इसमें और भी एग्जांपल, अगर किसी एक कंडीशन में भी अगर हमारी डेफिनेशन फेल होती है फ्रेंड्स, तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो आप सभी डेफिनेशन, सभी पॉसिबल वैल्यू आप थिंक कर लें और सभी पे आप थिंक करके देखें क्या ये फॉलो हो रहा है। अगर सभी पे फॉलो हो रहा है तभी हमारा ट्रांसलेशन होगा, नहीं तो ट्रांसलेशन ये नहीं होगा। एक और एग्जांपल मैं थिंक कर रहा हूं कि हमारे पास मान लिया 3 हमारे पास रिलेशन है 6 का, और जो 6 है वो 6 है फैक्टर किसका, मान लिया हमारे 6 12 का फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 हमारा किसका फैक्टर होगा, 12 का फैक्टर होगा। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल थिंक कर सकते हैं, और सभी में ये देखो हमारे कंडीशन फॉलो हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने जनरल वैल्यू लिया है ये राइट है फ्रेंड्स। तो अगर ये राइट है तो हमारा दिया गया जो रिलेशन है वो कैसा होगा, ये दिया गया रिलेशन कैसा होगा, ट्रांसलेशन होगा बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन के थ्रू आप देख सकते हैं, ये हमारी डेफिनेशन है इसकी। और इस डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि जो इसका एंड पॉइंट होता है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट बनना चाहिए। हमने कैसे थिंक किया कि ए रिलेशन बी, मतलब ए बी का फैक्टर है, एंड बी रिलेशन सी, सी हमने कोई इसका मेंबर ले लिया, ठीक है, तो सी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, सॉरी बी क्या होगा, सी का फैक्टर होगा। तो इसका स्टार्टिंग, इसका एंड पॉइंट ये है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट बी यही है, राइट। अब यहां से हमारा क्या बना, ए रिलेशन सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सी का फैक्टर होना चाहिए। तो ऑफकोर्स हो रहा है, आपने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं देख लिए हैं कि सभी में इसका फैक्टर होगा, तो राइट फ्रेंड्स। तो यही हमारा क्या होता है, ये हमारा ट्रांसलेशन होता है। अब मैं इक्विवेलेंस आपको बता दूं, डेफिनेशन बता दूं, उसका एक एग्जांपल बता दूं, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दो चार एग्जांपल ले लूंगा जिसमें आपको सभी रिलेशन चेक करने होंगे कौन कौन से रिलेशन इसमें हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट रिलेशन में, इक्विवेलेंस। फ्रेंड्स इक्विवेलेंस रिलेशन देख लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है हमारे पास कि इसमें 3 कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, यानी कि 3 रिलेशन अगर हमारे सेटिस्फाई होते हैं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला होना चाहिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फ्रेंड्स अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की हम बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमारे सामने डेफिनेशन आ जाती है। जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन मतलब बात आती है तो एक डेफिनेशन हमारे माइंड में आ जाती है। वो डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स, और डेफिनेशन ये है कि अगर एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, तो अगर होते हैं तो उन सभी का हमारा पेयर बनना चाहिए। पेयर का मतलब हुआ कि एक्स रिलेशन एक्स हमारा होना चाहिए फ्रेंड्स। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, तो अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, मतलब ए के जितने भी मेंबर हमारे पास हैं, जनरल वैल्यू है ये एक्स, एक्स में 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, तो एक्स के ए के जितने भी मेंबर हैं सभी का पेयर बनना चाहिए। मतलब ऐसे 1 बिलोंग्स टू ए सो 1 रिलेशन 1, एंड 2 बिलोंग्स टू ए सो 2 रिलेशन 2, ये हमारा होना ही चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, और ये इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए सिमेट्री रिलेशन फ्रेंड्स। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन में आपको याद होना चाहिए कि एक मैंने इमेज की बात किया था फ्रेंड्स, तो इमेज से आपको एक और बात क्लियर हो रही है कि इमेज क्या होता है, ठीक है। तो इमेज का मतलब ये हुआ कि एक मिरर की, मैंने जैसे बात किया था मिरर की, कल्पना कर लें कि आप जैसे मान लो एक मिरर है, सपोज करें मिरर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ये देखो रखा, तो इसका एक मिरर ऐसा ही ऐसे बनना स्टार्ट हुआ। जैसे हमने इसको रखा तो जैसे इसका एंड पॉइंट, तो मिरर में क्या होगा, इसका एंड पॉइंट उसका स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। आपने अनुभव किया होगा कि जो हम चीज मिरर में दिखाते हैं तो उसका एंड पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक्स रिलेशन वाई है फ्रेंड्स, तो वाई रिलेशन एक्स हमारा होना चाहिए। वाई तो इसका क्या हुआ, सिमेट्री रिलेशन हुआ, एक मिरर जैसा, तो देखो इसका एंड पॉइंट ही हमारा ये हुआ, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो रहा है। तो मेरा मिरर की बात करते हैं, मतलब एक्स रिलेशन वाई एक मिरर का कार्य करता है किसमें, वाई रिलेशन एक्स में, राइट फ्रेंड्स, ये एक मिरर का कार्य करता है, इसी को बोलते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री में एग्जांपल्स बताने की जरूरत है, यानी कि जो रिलेशन में अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, 3,3 है तो 3, अगर 3 है तो 3,3 तो इटसेल्फ है ना, तो 3,3 को 3,3 रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 4,3 है तो 3,4 होना चाहिए, सिमिलर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा है थर्ड पॉइंट, थर्ड है हमारा ट्रांसटिव रिलेशन। ये भी बहुत ही सिंपल है, इसके बारे में जानकारी ले लो।
अभी मैंने जस्ट अभी तुरंत बताया है कि ट्रांसलेशन क्या होता है। तो ट्रांसलेशन क्या होता है कि एक्स रिलेशन वाई एंड वाई रिलेशन जेड, सो इम्प्लाइज दैट एक्स रिलेशन जेड हमारा होना चाहिए। तो हम एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं फ्रेंड जिसमें तीनों होंगे हमारे पास, तीनों सेटिस्फाई होंगे। चेक करते हैं होंगे कि नहीं होंगे, वो तो बात की बात है। तो एक ऐसा एग्जांपल लें जो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो। तो एग्जांपल में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक रिलेशन हम ले रहे हैं, रिलेशन हमारा कैसा है, एक्स कमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई फोर। ये हमारा एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें ये चेक करना है कि ये एग्जांपल जो है वो रिफ्लेक्स रिलेशन को कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं है, सिमेट्री रिलेशन या ट्रांसिटिव रिलेशन। तो पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्स रिलेशन, फिर चेक करते हैं सिमेट्री रिलेशन और फिर चेक करते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्स रिलेशन में क्या होता है कि अगर एक्स बिलोंग्स टू ए है तो उसका एक्स रिलेशन एक्स बनना चाहिए। दूसरा क्या है सिमेट्री रिलेशन, सिमेट्री रिलेशन में बोलता है कि अगर एक्स रिलेशन वाई है तो उसका वाई रिलेशन एक्स बनना चाहिए। एंड थर्ड ट्रांसिटिव रिलेशन, मतलब x रिलेशन अगर y है एंड y रिलेशन z है तो सो इंप्लाइज दैट x रिलेशन z हमारा बनना चाहिए। तो अब आ रही आती है इनके सोल्यूशन के, तो सोल्यूशन चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। सोल्यूशन में क्या होगा, पहला ले लिया हमने, पहला हमारा क्या है रिफ्लेक्स रिलेशन। रिफ्लेक्स रिलेशन हमने क्या लेते हैं कि x बिलोंग्स टू a है तो मतलब x बिलोंग्स टू i ले लिया हमने। हमने लेट कर लिया कि अगर x बिलोंग्स टू i है तो मतलब हम ये चेक कर रहे हैं कि i पे कोई भी, i मतलब हमारे पास इंटीजर है और सभी इंटीजर की बात हो रही है, यहाँ पे इंटीजर के सभी वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। i हमारा एक इंटीजर है तो यहाँ पे हमने आपको बताया नहीं है कि ये x और y क्या है, x और y हमारे पास इंटीजर होंगे फ्रेंड्स। x और y क्या होंगे हमारे पास इंटीजर होंगे। तो x बिलोंग्स टू i मतलब x हमारा क्या है एक इंटीजर है, तो वो जो कि i में बिलोंग कर रहा है, क्लियर हो गया। तो i क्या है सेट ऑफ इंटीजर है, मतलब कि जितने भी हमारे पास इंटीजर में वैल्यू होती है यानी कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ठीक है फ्रेंड्स, वो हमारा x है। x एक जनरल वैल्यू है जिसको हम एज्यूम कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको 0 1 2 3 4 करके भी बताऊंगा, कुछ है नहीं, ठीक है, पहले जनरल वैल्यू तो समझें। तो x बिलोंग्स टू y हुआ हमारे पास, हमें बताना है कि इंप्लाइज दैट x रिलेशन x बनना चाहिए। तो सो इंप्लाइज दैट x रिलेशन x दिस इज इक्वल टू x रिलेशन x, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो y है वैल्यू वो भी x होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस x, और x माइनस x क्या होता है 0, और फ्रेंड्स 0 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4, 0 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हमने कोई भी वैल्यू उठानी है, ऐसी वैल्यू उठानी है जिसका अगर हम आपस में माइनस करें तो वो जीरो होता है। जैसे हमने सपोज करो जीरो उठाया तो जीरो को जीरो आपस में माइनस करोगे तो जीरो आएगा, ठीक है, वो भी फोर से डिविजिबल है। माइनस वन उठाया, माइनस वन को माइनस वन में सेपरेट करोगे तो भी जीरो आएगा। माइनस टू उठाओगे, माइनस टू को माइनस टू से सेपरेट करोगे तो भी जीरो आएगा। सिमिलरली कोई भी वैल्यू आप उठा के देख लो जीरो आना है और वो डिविजिबल होगा फोर से। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स मैंने क्या बोला आपको, ये बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब आगे देखते हैं सेकेंड, ठीक है, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में बोलता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन आप डेफिनेशन में बता ही चुका हूं, अब मैं डायरेक्टली इसको अप्लाई करता हूं। तो एक्स रिलेशन वाई का मतलब ये हुआ कि एक्स माइनस वाई भाई रिलेशन है, मतलब रिलेशन से ही ये उठाया जा रहा है, रिलेशन से ये उठाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या होगी, इज डिविजिबल बाय 4। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया है, क्या एज्यूम कर लिया है, तो वो एज्यूम कर लिया हमने कि ये मान लिया हमारे पास 4n प्राप्त हुआ भाई। डिवाइड करने पर यानी जो वैल्यू डिविजिबल होती है, जैसे मान लो 4 से डिविजिबल है तो ये इसका मतलब हुआ कि 4 का मल्टीप्लायर कुछ ना कुछ होगा, तो वो हमने एज्यूम कर लिया कि 4 का मल्टीप्लायर वो n होगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो 12 हमारा 4 से डिविजिबल है, ठीक है, तो अगर हमारा 12 4 से डिविजिबल है इसका मतलब 4 3 जा 12 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको लिखना चाहेंगे 4 into 3 लिख सकते नहीं सकते, राइट। अब ये एक जनरल वैल्यू है क्योंकि ये यहाँ पे कोई डिस्कस है नहीं कि यहाँ पे 12 है या हमारा 40 क्या है, 12 है कि 8 है कि 16 है क्या है, हमें कुछ क्लियर नहीं है। तो हमने क्या कहा कि एक वैल्यू तुम्हारा 4 क्लियर है, क्योंकि अगर ये 4
सीडीज भी है, तो मतलब एक तो क्लियर है, तो दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरा हमारा थ्री हो सकता है, टू हो सकता है, वन हो सकता है, फाइव हो सकता है, सिक्स हो सकता है, सेवन हो सकता है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, कुछ भी हो सकता है, वो हमने जनरल वैल्यू लेट कर लिया है, क्या है एन, क्या है एन, क्लियर हो गया। अगर ये हमारा है तो कहने मतलब ये बोलता है कि अगर एक्स रिलेशन वाई उसके अंदर हो रहा हो तो वाई रिलेशन एक्स भी उसके अंदर होना चाहिए। तो हम करके देखते हैं, अगर हम x माइनस वाई की बात कर रहे हैं, x माइनस वाई हमारा डिविजिबल है 4 से, ठीक है फ्रेंड्स। सपोज करो कि हमने एक ऐसी वैल्यू ले लिया जिसको हम सब्ट्रैक्ट करने पर, जैसे हमने एक ऐसी वैल्यू लिया, मान लो 2 है इधर, एक 6 है, ठीक है, 2 है 6 में है, एक है 2 है, जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आया, और 4 क्या है, डिविजिबल है 4 से, ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम रिवर्स कर दें, मतलब 6 माइनस 2 है तो इसको हम रिवर्स कर दें, 2 माइनस 6 हो जाएगा, तो 2 माइनस 6 बाई 4 अगर करेंगे तो 2 माइनस 6 का मतलब होता है माइनस 4, और माइनस 4 बाई 4 करेंगे तो मतलब ये हो गया माइनस 1। इसका मतलब जो हम ये वैल्यू ले रहे थे सिर्फ यही चेंज हो रहा है, बाकी डिविजिबल वैल्यू हमारी सेम आ रही है, मतलब डिविजिबल ये भी होगा लेकिन बस हमारा वैल्यू क्या चेंज हो रहा है, जो हमारी वैल्यू थी यहाँ पर ये चेंज हो रही है फ्रेंड्स, यानी जो हमने एन लिया है तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होके हमने मान लिया वो एम आ सकता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि वाई रिलेशन एक्स लेकर चलते हैं, यहाँ पे वाई माइनस एक्स होता है वो भी डिविजिबल होगा, इज आल्सो डिविजिबल, इज आल्सो डिविजिबल, डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब ये हुआ कि इसको लेट कर लें क्योंकि कांस्टेंट अलग होंगे फ्रेंड्स इनके, लेकिन मकसद एक ही है कि ये दोनों ही 4 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू हमने देखा कि दोनों वैल्यू 4 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब दोनों ही रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो मतलब ये हुआ कि हमारा ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा कि एक्स रिलेशन वाई होने पर वाई रिलेशन एक्स हमारा प्राप्त हो रहा है, क्योंकि दोनों ही 4 से क्या हो रही है, डिविजिबल हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स रिलेशन वाई और वाई रिलेशन एक्स दोनों ही हमें प्राप्त हो रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपको फिर भी ना क्लियर हुआ हो तो मैं आपको थोड़ा और क्लियर करने के लिए, एक एग्जांपल को क्लियरफाई करने के लिए मैं इसको थोड़ा रफ करके मैं आपको और विस्तार से समझा रहा हूँ। फ्रेंड्स ये तो रिलेशन था हमारा कि एक्स वाई एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाई 4, मतलब रिलेशन हमारा क्या है कि एक्स में वाई को सब्ट्रैक्ट करें डिविजिबल बाई 4 होता है, और जो हमारा एक्स और वाई होंगे वो दोनों क्या होंगे हमारे पास, इंटीजर होंगे फ्रेंड्स। ये तो हमारा रिलेशन था, हम आपको रिलेशन बना के दिखाते हैं रिलेशन में एक्चुअली है क्या, ठीक है। इंटीजर होते हैं इसका मतलब हुआ कि हमारा पहला रिलेशन बनेगा 0,0, आपको दोनों को घटा के यहाँ पे रिलेशन में वही लिखना है कि दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें और डिविजिबल हो जाए 4 से फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमने पहले देखा तो इसका मतलब हुआ कि 0,0 हुआ। दूसरा क्या हो सकता है, अगर हम बात करें तो जैसे हमने उठाया अगला 1,1, 2,2, 3,3 एंड सो ऑन, ठीक है फ्रेंड्स। एंड अगला इसी प्रकार, क्योंकि इनको सभी को आपस में सब्ट्रैक्ट करके 4 प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, -1,-1, -2,-2, -3,-3 एंड सो ऑन, यानी कि इनको भी आपस में सब्ट्रैक्ट करके हम 4 से डिविजिबल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, रिलेशन बना रहा हूं मैं फ्रेंड्स, ये भी हम आपको बनाना सिखा चुके थे वैसे। इसी प्रकार से देखो हम अगला ऐसा रिलेशन उठाएंगे जो कि क्या होगा, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यानी कि हम सब्ट्रैक्ट करें और सब्ट्रैक्ट करने पर जो भी अंतर आता है वो 4 के टेबल में आना चाहिए, यानी 4 का मल्टीप्लायर होना चाहिए। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लिया हमने उठाया 1,5, राइट, 2,6, राइट, इसी प्रकार से 3,7 एंड सो ऑन। तो इसी प्रकार से क्या मल्टीप्लायर वाला आप आराम से उठा सकते हैं, तो इसीलिए हमने जनरल वैल्यू उठाना स्टार्ट किया था ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मतलब रिलेशन में हमारे पास ऐसे बनते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे रिलेशन हमारे पास क्या होते हैं, बनते हैं। तो हमने अभी बात किया जैसे ये, तो आप ये बताएं 3,7 अगर 4 से डिविजिबल है तो क्या 7,3,4 से डिविजिबल नहीं होगा, होगा ना। अगर 2,6 हमारा क्या है, 4 से डिविजिबल है, तो क्या 6,2 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 1,5 डिविजिबल है किससे, 4 से, तो मतलब 5,1 भी डिविजिबल होगा 4 से। तो कहने मतलब यह है कि डिविजिबल केस में यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर x माइनस वाई, यानी x में y सब्ट्रैक्ट करने पर अगर 4 से डिविजिबल होता है तो
तो वाई में एक्स सबट्रैक्ट करने पर भी फोर्स्ड रिजल्ट होगा। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हम सिमेट्री दिखा रहे थे सेकंड कंडीशन, तो हमने क्या देखा था कि एक्स रिलेशन वाई जो होता है, अगर हम एक्स माइनस वाई करते हैं वो इक्वल टू हमारा क्या आता है 4n, ठीक है। मान लिया 4n, मतलब 4n इसलिए लिखा है क्योंकि वो n मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो कांस्टेंट है। मतलब ये है कि x माइनस वाई अगर फोर्स्ड डिविजिबल है तो मतलब दिस वैल्यू हम राइट कर सकते हैं, फॉर्म है ये, जनरल फॉर्म है डिविजिबल का, राइट। और अगर हम इसको पलट दें मतलब ये हुआ कि अगर हम y रिलेशन x लिखें तो वो भी हमारा क्या होगा, y माइनस x होगा, तो वो भी हमारा वो फोर्स डिविजिबल होगा। और दोनों ही कंडीशन में देखते हैं ये फोर्स से क्या हो रहे हैं, हमारे डिविजिबल हो रहे हैं फ्रेंड्स, क्या हो रहे हैं, फोर्स से डिविजिबल हो रहे हैं। अगर ये फोर्स से डिविजिबल हो रहे हैं फ्रेंड्स तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करें तो इसका मतलब ये हुआ दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन, इंप्लाइज दैट y रिलेशन x, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। कहने मतलब ये है कि रिलेशन में आपको कैसे चेक करना, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कैसे चेक करना है। तो काम ऐसा होता है इसमें कि अगर x रिलेशन y है, रिलेशन में अगर मिल रहा है, मैं x रिलेशन y मतलब जैसे 1.5 में रिलेशन मिला, तो इसका रिवर्स करें मतलब 5.1 भी रिलेशन में मिलना चाहिए, बस इतना आपको गौर करना है। अगर 2.6 रिलेशन मिल रहा है फ्रेंड्स तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 6.2 रिलेशन मिलना चाहिए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है ट्रांसिटिव रिलेशन। फ्रेंड्स अब बात आ रही ट्रांसिटिव रिलेशन की, व्हाट इज ट्रांसिटिव रिलेशन। तो ट्रांसिटिव रिलेशन ये बोलता है कि अगर इसका 0.5 से एंड हुआ है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट 5 ही होना चाहिए, उसके बाद हमें जो रिलेशन फाइंड हो तो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा फोर्स डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, ये तुम बोलते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि एक्स रिलेशन हमारे पास वाई है एंड वाई रिलेशन हमारे पास क्या है जेड, तो हमारा रिलेशन कम से कम एक्स रिलेशन जेड हमें फाइंड होना चाहिए। मतलब ये अगर दोनों रिलेशन में है तो ये भी रिलेशन में होगा, अगर नहीं हो रहा है तो वो ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे दोनों रिलेशन है, तो अगर हम अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग ध्यान दें तो ये हमारा क्या होता है x माइनस वाई, ठीक है। तो अगर x माइनस वाई ये हमारा है, x माइनस वाई मतलब ये फोर्स डिविजिबल है, ठीक है, मतलब फोर्स डिविजिबल का मतलब ये है कि मान लो ये 4 के टेबल में आता है, ऐसा मानो ये हमारा क्या होता है 4 के टेबल में आता है, ये भी हमारा क्या आता है 4 के टेबल में आता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एग्जांपल में, तो अगर x माइनस वाई की बात कर रहे हैं एंड y माइनस जेड की बात कर रहे हैं और ये भी हमारा डिविजिबल है एक दूसरे के, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि x माइनस जेड भी हमारा क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए फोर से। अब ये बात चेक करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो वन रिलेशन 5 बन रहा हमारे पास, 5 रिलेशन 9 क्यों बन रहा है, क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर x माइनस वाई मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 4 के टेबल में आता है, 5 माइनस 9 वो भी 4 के टेबल में आता है, 4 टेबल का मतलब डिविजिबल है, ये नहीं कि माइनस है माइनस प्लस है, आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो 1 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 4 आया तो भी 4 से डिविजिबल है क्योंकि इसका आंसर माइनस 1 आता है, ठीक है। नो रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 ही होगा इसमें, ठीक है, इसमें भी हमारा नो रिमाइंडर, मतलब अगर 5 में 9 सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 4 आया हो ये मेरी माइनस 1 आता है, राइट। इन्हें दोनों ही क्या है हमारे फोर से डिविजिबल है फ्रेंड्स, ठीक है, दोनों फोर से डिविजिबल है। हम दोनों पेयर को यहाँ पे दिखाते हैं आपको, तो 1.5 हमारे सामने है एंड 5.9 हमारे सामने है, ठीक है, 1.5, 5.1 है। तो कहने मतलब ये है कि इसका जो 1 और 9 है हमारा, ठीक है, रिलेशन बनेगा वो भी हमारा डिविजिबल होगा। तो हम सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं क्या ये फोर से कट जाएगा, कट रहा है। इसी प्रकार कोई भी कंडीशन आप उठा के देख ले, सभी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो भी हमारा x माइनस जेड बनेगा वो भी हमारा क्या होगा 4 के टेबल में आएगा। तो ये तो हमारा था डिविजिबल बाय 4, ये भी हमारा डिविजिबल बाय 4, तो ये भी हमारा क्या होगा आल्सो डिविजिबल बाय 4 होगा। आप बता सकते हैं रीजंस, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताया है, आराम से बता दें। तो हमने ये देखा है कि ये ऐसा एग्जांपल है जिसमें तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। कौन सा, पहला तो आपको फॉलो कराना है रिफ्लेक्सिव, फिर फॉलो कराना है आपको सिमेट्रिक, और तीसरा फॉलो कराना है आपको ट्रांसिटिव। अगर तीनों फॉलो हो रही है तो हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन फ्रेंड्स। तो ये कैसा रिलेशन हमारा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट फ्रेंड्स। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जिसमें आपको चेक करना होगा कि ये हमारा कौन सा रिलेशन है, ठीक है, और आपको बताना होगा, राइट फ्रेंड्स। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको इससे जुड़ी जो भी कंफ्यूजन भी रह गई हो तो और भी ज़्यादा दूर हो पाए और क्लियरफाई हो पाए आप।
फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इनके एग्जांपल ले लिए हैं जिसमें हमें एग्जामिन करना है, क्या एग्जामिन करना है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिलेशन हो सकता है या सिमेट्रिक रिलेशन हो सकता है या ट्रांसलेशन हो सकता है या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो जिसमें हमने पहला एग्जाम्पल लिया है जिसमें सेट हमें दिया गया है इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड आर इक्वल टू दिया गया, रिलेशन हमारे पास दिया गया है आर इक्वल टू एक्स कमा वाई, यानी पेयर है हमारे पास और इनके ये हमारे पास पेयर है जिसके टपल्स हमारे पास राइट है x कमा वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई x, यानी y क्या है डिविजिबल बाई x, यानी यहाँ पे एलिमेंट वो लिखने हैं y में जो x से क्या है वो डिविजिबल है, राइट फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हमारा रिलेशन है, इस तरह से हमने 5 एग्जांपल लिए हैं, 5 में आपको अलग अलग रिलेशन दिए गए हैं जिसमें हमें ये बताना है कि कौन रिफ्लेक्सिव होगा, किस में सिमेट्रिक होगा, ये तीनों होंगे या फिर इक्विवेलेंस, अगर तीनों होता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है या फिर अगर इनमें से कोई एक कंडीशन नहीं होगी तो फिर वो क्या होगी वो हमें डिस्कस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला हम डिस्कस करना चाहेंगे आपसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिसमें हमारे पास क्या है एक्स वाई, ठीक है, वाई इज ए डिविजिबल बाई 4 डिविजिबल बाई एक्स, राइट फ्रेंड्स। तो इसके बारे में डिस्कस कर लें, तो सोल्यूशन फर्स्ट का सोल्यूशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट में सोल्यूशन में क्या करना है, रिलेशन पहले हम लिख लेते हैं आपका रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन में x से यानी अगर 1 उठाया तो बताओ 1 से कौन कौन डिविजिबल हो सकता है, 1 से आपका 1 भी डिविजिबल हो सकता है, 1 से आपका 2 भी डिविजिबल हो सकता है, x से डिविजिबल होना चाहिए y, y हमारा सेकेंड पार्ट ये y होता है ये हमारा x है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे हम x में उसके टेबल में y वाला आना चाहिए। तो 1 के टेबल में सभी आते हैं, 1 भी आता है 2 भी आता है और जो एलिमेंट x और y होंगे फ्रेंड्स और वो x और y कहाँ होने चाहिए, एक ही होने चाहिए। तो हम देखते हैं 1 के टेबल में 1 आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है एंड 4 भी आता है एंड 5 भी आता है फ्रेंड्स, राइट। तो हमने इनके पेयर राइट कर लिए। अगला अगर हम उठाते हैं 2, तो 2 के टेबल में ओनली 4 आता है और 6 आता है, तो 2, 4 हो सकता है और 2, 6 हो सकता है, राइट। अगला उठा लेते हैं 3, तो अगला हम 3 अगर उठाते हैं तो 3 टेबल में खाली 6 आता है फ्रेंड्स और कुछ नहीं, 4 टेबल में ना तो 6 आता ना 5 आता ना अलग, ठीक है। तो हमारे पास जो रिलेशन बनेंगे फ्रेंड्स वो बनेगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 6 एंड 3, 6। तो हमारे पास ये पेयर मिल गए हैं इस रिलेशन के थ्रू। अब हमें इसमें डिस्कस करना है कि ये हमारा क्या हो सकता है, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो सकता है नहीं हो सकता है, ये ट्रांसटिव रिलेशन हो सकता है नहीं हो सकता है, ये हमें डिस्कस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ इसमें और रिलेशन बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लें, जैसे कि 2, 2 बन सकता है, 3, 3 बन सकता है, 4, 4 बन सकता है, 5, 5 बन सकता है एंड 6, 6 बन सकता है, क्योंकि ये भी तो अपने टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में 2 आता है, 3 टेबल में 3 आता है, 4 टेबल में 4 आता है, 5 टेबल में 5 आता है, 6 में टेबल्स, इसका मतलब 2 से 2 कट जाता है, 3 से 3 कटता है, 4 से 4 डिविजिबल हो सकता है, 5 से 5 डिविजिबल, सिमिलरली, राइट फ्रेंड्स। अगर और देखो क्या पॉसिबल है इसमें और कोई रिलेशन जिससे हमें इस रिलेशन के थ्रू मेंबर प्राप्त यहाँ पे हो सके, और कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमने मेंबर सभी लिख लिए इनके, अब हमें चेक करना है। तो पहले हम चेक करना चाहते हैं रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव चेक करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा चेक करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, इसके जितने भी मेंबर हमारे पास हैं सिर्फ 1 है तो 1, 1 इसके अंदर होना चाहिए। तो 1 अगर 1 बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में, तो यहाँ देखो 1 रिलेशन 1 फाइंड हो रहा है। 2 बिलोंग कर रहा है ए में, तो यहाँ से देखो 2 रिलेशन 2 मिल रहा है, तो आगे बढ़ते जाओ। इसी प्रकार 3 ए में बिलोंग कर रहा है, तो देखो 3 रिलेशन 3 प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है हमारे पास, हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार 4 देखो हो रहा है, 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, तो मतलब ये है कि यहाँ पे इसके जितने भी मेंबर हमारे पास ए के हैं उनके सभी पेयर हमारे पास यहाँ मिल रहे हैं, तो मतलब ये जो गिवन रिलेशन हमारे पास होगा वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो आर क्या होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, पहली बात तो क्लियर होगा कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड बात देख लो, सेकेंड बात में क्या चेक कैसे चेक करना है, सेकेंड हमारे पास है सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है कि अगर 1 का 1 भाई 1 का 1 ये तो रिवर्स करोगे तो वही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको छोड़ो।
अब आता है 1,2, इसका एंड पॉइंट 2 है। अब स्टार्टिंग पॉइंट देखो 2 के कौन कौन से हैं, जैसे ये मिला और ये मिला, हमें तीनों में डिस्कस करना पड़ेगा। तो 1,2 से 2,4 का देखेंगे, 1,2 से 2,4 का देखेंगे फ्रेंड्स। कौन सा उठाना है, सॉरी सिमेट्री उठाना है, सिमेट्री में ऐसा कुछ करना नहीं है आपको। सिमेट्री में क्या करना है, 1,2 है तो 2,1 मिलना चाहिए, क्या 2,1 इसमें मिलेगा, नहीं फ्रेंड्स। यहाँ पे 1,2 जैसे हमारे पास है, ठीक है, 1,2 है तो 2,1 रिलेशन हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा, 1 रिलेशन 2 हमें फाइंड हो रहा है, ठीक है, लेकिन 2 रिलेशन 1 इसमें नहीं मिल पा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन रिलेशन है R है, R इज नॉट सिमेट्री रिलेशन। सिमिलरली थर्ड पॉइंट में ट्रांसिटिव चेक करना है। ट्रांसिटिव रिलेशन मैंने आपको बता दिया था कि x रिलेशन क्या होना चाहिए y एंड y रिलेशन क्या होना चाहिए z, सो इंप्लाई दैट x रिलेशन z भी हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम चेक करते हैं अपने रिलेशन में, मैंने अभी बताया 1,2, ये तो छोड़ो इनको, इसमें भी छोड़ो, क्यों, क्योंकि 1,1 का भाई 1,1 जैसे है, अभी इसलिए छोड़ा क्योंकि 1,1 का 1,1 के साथ करेंगे तो 1,1 आएगा। बट अगर 1,1 का एंड पॉइंट 1 उठाएं तो 1,1 का 1,1 के साथ तो 1 आया, बट 1,1 का एंड पॉइंट ये मिला, ये मिला, ये मिला, और जितने भी अदर मिलेंगी सभी के अगर करोगे, जैसे 1,1 का 1,2 के साथ करेंगे तो 1,2 ही आएगा। कैसे चेक करो, 1,1 का एंड पॉइंट ये मिला, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये दोनों हटे, बचा क्या 1,2, वो भी तो इसके अंदर मिल रहा है। तो कहने मतलब ये है कि जो हमारा 1,1 या 2,2 या 3,3 या 4,4 या 5,5 या 6,6 का किसी के साथ भी करोगे तो वो उसका रिलेशन हमारा जरूर से जरूर मिलेगा। तो हमें इसमें डिस्कस नहीं करना, फिर किसमें डिस्कस करना है, जैसे कि नेक्स्ट 1,2 उठाया मैंने, तो 1,2 उठाया तो इसका एंड पॉइंट मिला हमें 2, तो इसका एंड पॉइंट 2 है तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट वाले 2 उठाने से ये मिला, ये मिला और ये मिला, तीन मिल रहे हैं। ये तो छोड़ दो क्योंकि ये तो मैंने पहले बता दिया तो ऑलरेडी हो जाएगा, तो इसको छोड़ो। तो हमारे पास क्या मिला, ये दोनों मिले, इन दोनों पे डिस्कस करना है। तो 1,2 एंड 2,4, ठीक है, 1,2, 2,4, तो यहां से हमें मिल रहा है फ्रेंड्स, यहां से देखो, यहां से हमें मिला 1,4। क्या रिलेशन में 1,4 है, रिलेशन 1,4 है, चलो छोड़ो। अब इसी प्रकार से ये देखो, ये भी 1,6 मिलेगा, ये भी रिलेशन में है, छोड़ो। अब हमें इन पे डिस्कस करना है, तीसरी प्रकार 1,3 से, तो ये भी हमारे रिलेशन में होगा क्योंकि 1 आगे लगा है तो 1 के टेबल में 6 आता है, 1 के टेबल में अदर भी आता है, 3 भी आता है, तो इसको छोड़ो। तो 1 वाले छोड़ दो क्योंकि 1 वाले भी हमने देखा कि 1 वाले भी मिल रहे हैं, छोड़ो इनको, ठीक है। अब हमें इनको उठाना है, जैसे 2,4 मैंने लिया, हमने हर एक रिलेशन पे चेक करना है, हमें हर एक रिलेशन पे डिस्कस करना है जो भी है। अगर किसी एक रिलेशन पे भी हमारा फेल होता है तो फ्रेंड्स फेल हो लिखेंगे हम, ठीक है। हमने 2,4 उठाया, 4 एंड पॉइंट है इसका, स्टार्टिंग पॉइंट 4 उठाया, यहाँ पे देखो 4 स्टार्टिंग पॉइंट ये मिला हमें, इसका चेक करेंगे तो आराम से हमारा ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने पहले बता दिया था अगर इनका पेयर दोनों का सेम है तो 4 से 4 एंड हुआ तो 2,4 बचेगा जो कि हमारे रिलेशन में है। इसी प्रकार 2,6 उठा के देख लें, 6 का एंड पॉइंट एक ही मिला है, 3,6 उठा के देख लें, 3,6 का भी एक ही मिला है, तो मतलब ये क्या हो रहा है, सभी पॉसिबल कंडीशन हमारे फॉलो करा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन आर है वो क्या होगा, वो ट्रांजिटिव भी हमारा होगा। फ्रेंड्स कैसे चेक करना है, आई होप आप समझ पा रहे हैं मैंने बताया कैसे चेक करना है। तो आपको ये डेफिनेशन फॉलो करानी है, जिसका एंड पॉइंट ये स्टार्टिंग पॉइंट ये दोनों को हटाने पर जो भी रिलेशन बनेगा वो इसके मेंबर होना चाहिए, यानी रिलेशन को मेंबर होना चाहिए। अगर वो रिलेशन का मेंबर होता है तो आप आगे नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे, अगर वो नहीं होता है किसी कंडीशन में भी फेल होता है तो इसका मतलब वो ट्रांसलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने देखो सभी एलिमेंट पे डिस्कस किया और सभी एलिमेंट पे हमारा डेफिनेशन फॉलो हो रहा था, इसीलिए मैंने बोल दिया कि हमारा क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने क्या देखा, इस एग्जांपल में जो रिलेशन है हमारा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ट्रांसिटिव रिलेशन है, बट नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन, बट नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि आर इज इक्वल टू, रिलेशन हमारा क्या है, एक्स रिलेशन वाई, एंड वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स प्लस फाइव।
और जो x वैल्यू हो वो 4 से स्मॉलेस्ट हो, और ये एक्स वाई क्या होने चाहिए, वो नेचुरल नंबर हमारे पास होने चाहिए। तो x 4 मतलब 4 से छोटा, 4 से छोटा मतलब क्या हो सकता है, तो इसका रिलेशन पहले हम राइट करेंगे। जैसे मैंने इसका रिलेशन राइट किया उसके बाद फिर हम इसकी डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसको मैं रफ कर दूं, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। सेकेंड सोल्यूशन में देखते हैं आर इक्वल टू क्या बनेगा फ्रेंड्स हमारा, भाई x जो होना चाहिए वो 4 से छोटा होना चाहिए, वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, x की पॉसिबल वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4 नहीं हो सकता, क्योंकि छोटा बताना है ना। तो x में हमें रिलेशन में देखो, x की रिप्लेस में हमें रखना है 1 रखना है, एंड 2 रखना है, एंड 3 रखना है, बस ठीक है। तो पहले 1 रखते हैं तो हमारा y क्या गिवन हो जाएगा, अगर इसमें 1 रखें तो 1 प्लस 5 होता है, 1 प्लस 5 का मतलब 6, तो y हमारा निकला 6। फ्रेंड्स मैं सेकंड एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारा 6, अब मैंने रखा 2, तो 2 रखेंगे 5 टू 7, एंड मैंने रखा 3 तो 5 3 8, तो हमारे सामने ये वन निकल आया, ठीक है। और x और y दोनों क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, तो हमने देख लिया। अब हमें डिस्कस ये करना है कि ये हमारा क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव क्या है, चेक करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है हमारा, याद रहे x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 4 से छोटा, तो मैंने 4 से छोटा रखा 1 2 3, और ये दोनों क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो नेचुरल नंबर मैंने रखा। और आराम से देखो y भी हमारा नेचुरल नंबर ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हमने इस रिलेशन के थ्रू y की वैल्यू निकाली है, इसमें मैंने x के मान रखे हैं और y के मान करस्पॉन्डिंग्स आते चले गए। अब हमें डिस्कस करना है कि कैसा है। तो पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन, पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो मतलब 1 2 3 नेचुरल नंबर में हमारे होते हैं मेंबर्स, और 1 2 3 में अगर हम बात करें 1 2 3 में, तो यहाँ पे ना तो 1 1 का पेयर मिल रहा है, ना 2 2 का पेयर मिल रहा है, ना 3 3, तो मतलब ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। बात करें हम रिफ्लेक्सिव के बाद, बात करें हम सिमेट्रिक के, तो सिमेट्रिक यहाँ पे करके देखते हैं, 1 6 करें 6 1 में मिल ही नहीं गा, ठीक है। 2 7 7 2 नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब बात करें अगर हम ट्रांसिटिव रिलेशन की, तो ट्रांसिटिव रिलेशन भी फ्रेंड्स नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 6 है तो 6 का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं जो 6 का स्टार्टिंग पॉइंट बने, क्योंकि 6 हो ही नहीं सकता x में, x में 6 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले ही बोल दिया हमारा कंडीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा रिलेशन है, ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना तो सिमेट्री होगा, ना तो ट्रांसिटिव होगा, कोई भी रिलेशन इसमें फॉलो नहीं होगा फ्रेंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें लिख देना, नॉट, ना तो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, प्रोवाइड करना पड़ेगा नॉट रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव एंड सिमेट्रिक, सब कुछ राइट कर दो कि कोई भी रिलेशन इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा, नन ऑफ दिस। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड रिलेशन उठाते हैं, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड के देख लो उसी वक्त। एबीसी हमारे पास है और इसका रिलेशन में गिवन है, मैं आपको डायरेक्टली बता दूं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि अगर एबीसी मेंबर है, ए बिलोंग्स टू, अगर सेट में ए भी बिलोंग कर रहा है, राइट फ्रेंड्स, जो ए है हमारा वो सेट में बिलोंग कर रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि ए कामा ए का रिलेशन हमें मिलना चाहिए। बी बिलोंग्स टू ए, सो इम्प्लाइज दैट बी रिलेशन बी होना चाहिए, एंड सी बिलोंग्स टू ए, सो इम्प्लाइज दैट सी रिलेशन सी होना चाहिए, राइट। तो इसमें देखते हैं क्या ए रिलेशन ए मिल रहा है, मिल रहा है, बी रिलेशन बी मिल रहा है, सी रिलेशन सी मिल रहा है, मतलब दैट मीन्स ये गिवन रिलेशन क्या होगा हमारा, तो ये रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, इस रिलेशन में ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो कन्फर्म हुआ। अब मुझे डिस्कस करना है सिमेट्री और ट्रांसिटिव रिलेशन की, तो ट्रांसिटिव सिमेट्री की बात करनी है, तो ये तो कंडीशन सिमेट्री के फॉलो करते हैं। बात करें बी और सी की, तो बी कामा सी इसमें है बट सी कामा बी इसमें बिलोंग नहीं है, ठीक है। तो बी कामा सी का रिलेशन मिल रहा है बट सी कामा बी रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि सिमेट्रिक तो रिलेशन नहीं हो सकता, ठीक है। ए कामा बी है, बी कामा ए नहीं है, ए कामा बी है बट बी कामा ए भी नहीं है, भाई एक भी कंडीशन फेल होती है तो वैसे भी हमारा नहीं होगा, चाहे होता चाहे नहीं होता, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि गिवन रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन तो नहीं होगा।
ठीक है। अब फिर दूसरी तीसरी रिलेशन क्या बचता हमारा, ना तो ये हमारा सिमेट्रिक आया, रिफ्लेक्सिव आया, सिमेट्रिक नहीं आया ना। अब ट्रांसलेशन की बात करें तो ये तो छोड़ो भाई, इनकी बात तो छोड़ो, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि ये तो क्या करते हैं, किसी के साथ कराओ तो इनका तो रिलेशन भाई बनता ही है। जैसे ए गामा ए को ए गामा बी के साथ कराओगे तो ए गामा बी ही देगा, वो बी गामा सी के साथ कराओगे तो बी गामा सी ही देगा, क्योंकि वन को किसी के साथ कराओ तो वन ही देता है, जैसे वैसे इनका होता है, ठीक है ना। अब हमें जैसे बी गामा सी को उठाते हैं तो बी गामा सी का एंड पॉइंट सी है, तो सी का हमारे ए पॉइंट मिलता है, तो इसलिए नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये करेंगे नहीं, ये बी का मस्सी का अगर करेंगे हम तो सी का मस्सी मिला तो ये मतलब बी का मस्सी ही देगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये ए काम बी का उठाते हैं, अगर ए काम बी का आप उठाते हैं इसमें, हाँ डिस्कस कर सकते हैं, ए काम बी का अगर आप उठाते हैं तो बी का मस्सी मिला हमें, और बी का मस्सी मिला तो इससे हमारा निकल रहा ए का मस्सी, और ए का मस्सी आप देख सकते हैं पूरे रिलेशन में कहीं नहीं। तो यहाँ पे देखो सारी कंडीशन तो फॉलो हो रही थी, बस एक जगह हमारा फंसा क्या कि ए कामा बी मैंने उठाया और बी कामा सी इसका मिला, इसका एंड पॉइंट ये, स्टार्टिंग पॉइंट ये मिला, इसका बी कामा सी मिला, तो इसका रिलेशन जो मैंने बनाया तो ए कामा सी निकला हमारे पास, तो ए रिलेशन सी मतलब ए रिलेशन सी निकला, तो ए रिलेशन सी हमारे कहीं रिलेशन में नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि ए भी कंडीशन फेल तो वो फेल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ना तो ये ट्रांजिटिव निकला, ना तो ये सिमेट्रिक निकला, तो फिर क्या है ये, तो ये खाली रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और कुछ नहीं, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा फ्रेंड्स ये, बस रिफ्लेक्सिव, तो आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांसिटिव एंड सिमेट्रिक। ये हो गया थर्ड का सोल्यूशन, हो गया हमारे सामने थर्ड में सोल्यूशन में क्या आया कि आर क्या आया हमारा रिफ्लेक्सिव, तो आया है रिफ्लेक्सिव आया बट नॉट ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, राइट फ्रेंड्स। अब हमें चेक करना है नेक्स्ट पे, भाई आप ये बताएं कि रिफ्लेक्सिव जो होता है वो क्या होता है। रिफ्लेक्सिव होता है जैसे वन नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं मैं, नेचुरल नंबर की बात, ठीक है। वन कमा वन नेचुरल नंबर में वन होता है, वन कमा वन अगला टू होता है, टू कमा टू अगला होता है, थ्री का मंथ होते हैं ऐसे एंड वन रिलेशन में, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो यहाँ पे वन कमा वन, वन कमा वन नहीं बन सकता, क्योंकि जो रिलेशन हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए छोटे का, मतलब एक्स लेस देन वाई का। तो एक्स लेस देन वाई डज नॉट इक्वल टू, मतलब ये दोनों इक्वल टू नहीं हो सकते हैं, क्योंकि छोटे वाली कंडीशन है। अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनली लेस देन है। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन रिलेशन क्या होगा, वो हमारा सिंपल सी बात है, वो एक रिलेशन तो पक्का नहीं होगा, वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। तो थर्ड रिलेशन में हमारा पहला पॉइंट निकला है, फोर्थ रिलेशन में हमारा पहला पॉइंट निकला है सॉल्यूशन फोर, तो क्या निकला है, नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, x less than y है, implies that y less than x तो हो नहीं सकता friends, क्यों, क्योंकि अगर हमारा 2 3 से छोटा है, अगर हमारा 2 3 से छोटा है friends, तो क्या वो 3 2 से छोटा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगर ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा तो फिर क्या होगा भाई, ना तो ये रिफ्लेक्शन निकला, ना ये सिमेट्रिक निकला, तो फिर क्या निकलेगा। तो अब हम उठाते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बोलता है अगर x छोटा है y से और y छोटा है z से, x छोटा है y से और y छोटा है z से, तो जाहिर सी बात है x तो सबसे छोटा हो गया ना, तो इंप्लाइज दैट x छोटा हो गया z से, ये फॉलो हो रहा है भाई, ये छोटा है इससे। अगर हम बात करें तीन कोई भाई हमारे पास हैं, रामू श्यामू और मोहन, तीन भाई हैं। हमने बोला कि जो श्यामू है वो रामू से छोटा है, ठीक है, मतलब ये बात करें हम कि जो मोहन है वो क्या है, जो श्यामू है वो मोहन से बड़ा है, श्यामू क्या है, मोहन से बड़ा है, और श्यामू से बड़े हैं रामू, तो इसका मतलब हुआ कि रामू जो हैं वो मोहन से भी बड़े होंगे, क्योंकि मोहन से ये बड़े हैं और इनसे बड़े हैं, तो मतलब रामू तो सबसे बड़े हो गए ना, मोहन से भी बड़े होंगे, तो मोहन हो गए सबसे छोटे।
तो मतलब ये हो गया कि रामू और मोहन का जो रिलेशन बन रहा है यहाँ पे वो ट्रांसलेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ट्रांसलेशन होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं फोर्थ अपने रिलेशन डिस्कस कर लिए हैं। अब बचा हमारा लास्ट रिलेशन बनता है एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई का। एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई का रिलेशन बन रहा है तो पहली कंडीशन तो आप भूल ही जाए रिफ्लेक्सिव, क्योंकि वो तो इक्वल टू की बात करता है और ये तो डज नॉट इक्वल टू पहले ही बोल दिया इसने, तो ये एक कंडीशन तो खत्म। कौन सा? रिफ्लेक्सिव। तो नॉट रिफ्लेक्सिव का बोर्ड तो पहले आप लगा दें, ठीक है। अब दूसरा लगा सिमेट्री। सिमेट्री में अगर भाई कोई x डज नॉट इक्वल टू y है तो इसका मतलब ये होगा कि y डज नॉट इक्वल टू x सिमेट्रिक होगा, क्योंकि अगर तीन चार के बराबर नहीं है तो चार भी तो तीन के कौन से बराबर हो रहा है, वो भी तो नहीं होगा, तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। सिमेट्रिक है, चलो ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो पहले ही कन क्लियर हो गया, नहीं होगा इसका, रिफ्लेक्सिव बोर्ड लग गया ना का, सिमेट्रिक होगा, ठीक। अब अच्छा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं देखो इसी वक्त। तो ट्रांसलेशन में हमें देखो रिलेशन में हमने पहले बोल दिया कि कैसे आपको उठाना है, ठीक है। x डज नॉट इक्वल टू y एंड y डज नॉट इक्वल टू z, तो इसका मतलब ये हुआ कि x डज नॉट इक्वल टू z, ठीक है। x डज नॉट इक्वल टू z होगा फाइन, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है ट्रांसलेशन हो सकता है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता लेकिन सिमेट्रिक हो सकता है, ट्रांसलेटिव हो सकता है। तो ये हमारे कंडीशंस हैं फ्रेंड्स, हमने सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और इसके बाद जो हमारी वीडियो बनेगी वो बनेगा फंक्शन के ऊपर डिस्कस होगा, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन एक कंटेंट होता है जिसमें से रिलेशन हमने डिस्कस कर लिया है पूरी तरीके से, अब बचा हमारा फंक्शन। तो फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, तो फंक्शन में बहुत सारे आते हैं टाइप्स, उनके बारे में डिस्कशन के एक एक विधिवत एग्जांपल के थ्रू, फिगर के थ्रू, है ना, मैपिंग के थ्रू, तो पूरी तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं।